विस्तार करना चाहते हैं और उनसे योग्य दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, क्योंकि लोकवती मन में जब गुरु नारद का प्रभु तीसरे स्कंध में भगवान ने ये विचार किया, वर्णन किया है कि उद्धव जी मुझसे किंचित भी न्यून नहीं है। श्री कृष्ण ने ये विचार किया क्योंकि यज्ञ गुणैर नारदित प्रभु, संसार के विषयों ने इनको दबाया नहीं। ईश्वर तो वही है ना, संसार के विषय जिसको दबा न सके, अपने काबू में न ले सके। विषय आते हैं जाते हैं, मरते हैं जीते हैं, मीठे लगते हैं कड़वे लगते हैं, कभी भागते हैं कभी नहीं भागते हैं, और ईश्वर एक रस रहता है। तो जिसको संसार के विषय संसार की वस्तुएं जिसको दबा न सके उसी का नाम तो ईश्वर। तो बोले उद्धव जी विषयों से नहीं दबे तो ये तो हमारे सामने, इसलिए उनके मन में उन्होंने ये प्रश्न पैदा किया, जिज्ञासा पैदा की कि अब उद्धव जी प्रश्न करें और हम उत्तर दें और फिर उद्धव जी रह जाएं, तो इससे संसार का भी बड़ा कल्याण है और हमारी लीला, हमारे जो सिद्धांत है, हमारा जो प्रेम है, सबके जानकार, गोपियों के प्रेम के भी जानकार, द्वारका की लीला के भी जानकार, तत्व ज्ञान के भी जानकार, और बड़े सदाचारी बड़े संगनी, तो इनको यहाँ रखना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान ने उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न किया। भगवान उस प्रश्न को और भी जगाने के लिए कुछ थोड़ी बात थी उद्धव जी से करते हैं। यदा समाम महाभागो तत्कीर्षितमे रमे, हे महाभाग उद्धव, जो बात तुमने मुझसे कही है वही तो मैं करना चाहता हूँ। तत् में मम चिकीर्षितम एव, वो तो मैं करना ही चाहता हूँ। ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वा संवेहिकांक्षिण, ब्रह्मा शंकर दूसरे लोकपाल सब ये चाहते हैं कि मैं अब अपने धाम में चलूं, अपने नित्य धाम में चल करके निवास करें। मया निष्पादितम यत्र देव कार्यम अशेषतः यदर्थम अवतीर्णोहम अंशेन ब्रह्मणार्थितः। इस धरती पर देवताओं का जो भी काम था उसको मैंने पूर्ण रूप से कर दिया और उसी के लिए मेरा ये अवतार हुआ था। अवतार के लिए भगवान ने कहा अंशेन, अंश रूप से मेरा अवतार हुआ था। ये श्रीमद् भागवत में बीसों जगह श्री कृष्ण ने और श्री कृष्ण के लिए अंशावतार जैसे हुए ऐसे ही वर्णन प्राप्त होता है। तो एक जगह ये बात कही हुई है कि श्री कृष्ण जो है कृष्ण तू भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और दूसरे अवतार अंशावतार और कलावतार है। तो शास्त्र की रीति से मीमांसा की रीति से वो परिभाषा वचन हो जाता है और बाकी सब गौण हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। तो अंशावतार फिर क्यों बोला जाता है, तो कहते हैं कि प्रतीत अभिप्रायण, उनकी पूर्णता लोगों को प्रतीत नहीं होती। माने कृष्ण कौन है, वो स्वयं अपने को जो अनुभव करते हैं कृष्ण वो है कि तुम उनको जिस रूप में देखते हो कृष्ण वो है, ये समझो हमारा सच्चा स्वरूप कौन सा है। जो मैं अपना सच्चा स्वरूप अनुभव करता हूँ वो मेरा सच्चा स्वरूप है, कि एक कम आंख वाला आदमी काला देखता है और एक तेज आंख वाला आदमी जगह जगह कब्जे भी देखता है शरीर में, तो उनका देखना ठीक है। तो नहीं भाई,
मैं अपने अनुभव में जैसा हूँ वैसा हूँ, दूसरे लोग मेरे बारे में जैसा देखते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा सच्चा स्वरूप वो है जिसको मैं अनुभव करता हूँ। तो श्री कृष्ण स्वदृष्टि से तो सर्वथा परिपूर्ण है। मैंने कोई भी आदमी अपने को पापी अनुभव करता है, कोई आत्मा अनुभव करता है, सुखी अनुभव करता है, दुखी अनुभव करता है, दूसरे बाहर वाले उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचते हैं, उनके सोचने से क्या मतलब, वो है तो वो जैसा अपने को अनुभव करता है। तो श्री कृष्ण अपने को परिपूर्ण ब्रह्म अनुभव करते हैं कि मैं परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब दूसरे लोग उनको मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो वो देखने वालों का दोष हुआ कि कृष्ण का दोष हुआ? इसलिए प्रतीति अभिप्रायणा अज्ञानी लोगों को वे व्यक्ति के रूप में प्रतीत होते हैं, मनुष्य के रूप में प्रतीत होते हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन है वो परिपूर्णतम ब्रह्म। तो श्रीधर स्वामी अंते में की व्याख्या करते हैं, प्रतीत्य अभिप्रायणा आह, जैसा अज्ञानी लोगों को जैसे प्रतीत होते हैं उसकी दृष्टि से भगवान को हम कहते हैं, वास्तव में तो वो परिपूर्णतम है। दूसरी बात, अंते न बलरामे न सह अवतीर्ण, अपने अंत बलराम के साथ पैदा हुए हैं ऐसा भी अर्थ करते हैं, और अंते न ब्रह्मणार्थिता, यहाँ तो ये भी अर्थ हो जाता है कि भगवान के ही अंश जो ब्रह्मा है, मेरे अंश जो ब्रह्मा है, उनकी प्रार्थना से मैं प्रकट हुआ हूँ, और अंते न संबोधन भी हो जाता है, हे अंशों में सुन सूर्य अंते सुन अंतेना तत्सम्बुद्ध हे अंतेना, हे उद्भव तुम तो जीवों में सूर्य के समान प्रकाश मानो। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं यहाँ आया हूँ। कुलम वही साप निर्दग्धम नंश्योन्य विग्रह समुद्र सप्तमेता। अब द्वारका में उद्भव की आसक्ति न रह जाए और वंश में प्रीति न रह जाए कि ये जगवंश वही है जिसमें भगवान का अवतार हुआ, ये द्वारका वही है जहाँ हमारे प्यारे भगवान रहते थे, तो ऐसा सोच के कहीं जदुवंशियों के मोह में उद्भव न फंसे और द्वारका छोड़ करके कहीं बाहर न निकले, ऐसा कहीं न हो जाए। धाम निष्ठा भी तो होती है ना, तो उद्धव जी के लिए धाम निष्ठा और वंश निष्ठा उपयोगी नहीं है, तो वंश निष्ठा और धाम निष्ठा में भी वैराग्य कराने के लिए भगवान कहते हैं, कुलम च पाप निर्दग्धम नंश्यत्यन्योन्य विग्रह। ये जो जदुकुल है, यदुवंश है, वो तो पाप से भस्म हो चुका है और परस्पर बैर विरोध करके अब नष्ट होने वाला है। रही बात द्वारकापुरी की, तो समुद्र सप्तमे ही एताम पुरी इंच प्लावयिष्यति। उद्धव जी सातवें दिन समुद्र इस पुरी को डुबो देगा, ये ही नहीं रहेंगे, न रहेंगे जदुवंशी, न रहेगा ये धाम, डूब जाएगा। तो सारा नहीं, उसमें त्यक्त्वा भगवदालयम, भगवान के रहने का जो स्थान था उसको छोड़ करके बाकी को समुद्र डूबता है। इसलिए आजकल जो द्वारकाधीश का मंदिर माना जाता है ना, जैसे वही भगवान का मुख्य निवास स्थान पहले था। बोले अच्छा भाई, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहीं काठियावाड़ में ही, कहीं गुजरात में ही आस पास रह लेंगे। बोले जर ये आयम मया त्यक्तो लोकोयम नष्ट मंगला भविष्य व्यतिरासादो कलिनापि निराकृतः। जो ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा, इसमें मंगल का नाश हो जाएगा। मंगल माने साधन, जिस भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के, तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, उसका लोक हो जाएगा। भविष्यत्य दिराप साधो बोले दिनों में। और उद्धव जी अब चौथी बात भगवान और बताते हैं, एक तो साधन भजन की दृष्टि से भी ये देश अच्छा नहीं रहेगा, और दूसरे कलिना की निराकृता, कलिजुग भी आकर के और इसका खूब खूब तिरस्कार करेगा,
और गलहस्तित निराकृता माने जैसे किसी के गले में हाथ लगाए करके और उसका निराकरण कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, वो ऐसे ही ये लोक में जो लोकत्व है वो निकाल दिया जाएगा। तो करना क्या, बोले न बस कर्तव्यम तो यही रेह मया त्यक्ते मही तले जनो धर्म रुद्र भविष्यति कलौ युगे। जब मैं ये धरती छोड़ करके चला जाऊं तो उद्धवजी तुम यहाँ मत रहना, क्यों कि जनो धर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। हे कल्याण भद्र, कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म में होगी। जैसे लोगों को भोजन में किसी की नमक में रुचि होती है और किसी की मीठे में रुचि होती है, अपनी अपनी रुचि होती है ना, यो समझो अपनी अपनी हाबी होती है लोगों की। कोई टिकट इकट्ठा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है ना। तो लोगों की हाबी कलयुग में यही होगी कि देखें सबसे बढ़ करके अधर्म हम करते हैं कि नहीं। कोई अधर्म बाकी न रहे जो मुझसे किए बिना छूट जाए, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, इसी में ज्यादा लोगों की रुचि होगी। धर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। त्वंतु इसका अभिप्राय ये है कि हृदय में जब भगवान का स्मरण रहता है तब तो धर्म स्वयं आकर के मनुष्य की सेवा करता है, और जब हृदय में भगवान नहीं रहते हैं और धर्म में रुचि रहती है तब धर्म करना पड़ता है। लेकिन हृदय में भगवान भी न हो और धर्म में रुचि भी न हो तब सब तो अधर्म की ओर बड़े वेग से गति होती है और भ्रष्टस्य कान्या गति। जब एक बार भ्रष्ट हो जाता है मनुष्य तब उसके लिए तो दूसरा कोई सहारा नहीं रहता है। जैसे एक आदमी ने देखा कि कोई भिखारी मांस खा रहा है, तो उस भले मानुष ने जाकर पूछा भिक्षो मांस निसेवणम प्रतिरुषे, अरे वो भिखारी तू भिखारी होके मांस खाता है। वो बोला बाबू जी बात आपने बहुत अच्छी कही लेकिन चार पैसे और दे दो। बोले क्यों, किम ते नमद्यम बिना, शराब के बिना मांस का स्वाद नहीं आ रहा है। बोले अरे मद्यम चाप तव प्रियम, तू शराब ही पीता है। बोले बारांग प्रियम हो बारांगना, देशिया साथ हो तो शराब का मजा आता है। देशिया की अर्थ रुचि ही कुतस्तवधन हम, देशिया को तो धन चाहिए, तुझे धन कहाँ मिलता है। बोला द्यूते न चौरे नवा, जुआ खेलता हूँ तो ही करता हूँ। चौर यद दूत दरिद्र हो भी भगवतः, राम राम तो चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है। बोले भ्रष्ट से काम में आ गति ही, भ्रष्ट के लिए और कोई रास्ता क्या है। तो जब मनुष्य एक बार गिर जाता है, अपने स्थान को छोड़ देता है, तब उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। एवं चलित वृत्त यथा ही मलिन ही वस्त्र यत्र तत्रो पर दृश्यते। जब आदमी का कपड़ा मैला हो जाता है तो वो चाहे जहाँ बैठ जाता है। एवं चलित वृत्तस्तु वृत्त केतम न रक्षति। जब मनुष्य दुराचारी हो जाता है तो चाहे जो भी दुराचार कर लेता है, बची हुई सदाचारिता को भी और वो सुरक्षित नहीं रखता है। तो इसलिए लोगों की रुचि अधर्म है। तो उद्धव जी ने कहा कि अब मेरे लिए आज्ञा करो श्री कृष्ण कि मैं क्या करूं। बोले त्वं तु गर्भं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यारोग्य मनः सम्यक् समदृग विचरस्त्वगाम यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः न स्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं तो वो जवान है, जिंदा रहने वाला है, और
युद्ध भूमि में खड़ा है, शत्रु है, उसको बहुत काम करना है। और भागवत का उपदेश परीक्षित को करना है। तो सुखदेव में की रानी में और कृष्ण की रानी में फर्क है कि नहीं है? सुखदेव अवधूत है, परमहंस है, और श्री कृष्ण तत्व ज्ञानियों में दूसरी कक्षा, एक दूसरी कक्षा होती है उसके माने जाते हैं। कृष्ण भोगी सुखद त्यागी नृप जनकर आगव कर्म निष्ठा वशिष्ठाद्या कर्मे ते ज्ञानी न समा। कृष्ण भोग विलास में है, सुख त्याग में है, रामचंद्र और जनक राजा है, वशिष्ठ आदि पुरोहित का काम करते हैं, लेकिन ज्ञान सबका एक तरीका है। ज्ञान सबका एक तरीका है, रानी जुदा जुदा है। तो सुखदेव जो भागवत के उपदेशक है उनकी रानी जुदा, और गीता के उपदेशक जो श्री कृष्ण है उनकी रानी जुदा। अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार है, वहां से हटता है तब उपदेश होता है, और परिस्थित सब कुछ छोड़ छाड़ करके मरने के लिए तैयार है। अब सातवें दिन मृत्यु होने वाली है, और यहाँ कृष्ण और उद्धव जी को छोड़कर जाने वाले हैं, और उद्धव जी को बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। तो वैराग्यवान जो है वो श्रीमद् भागवत के उपदेश का अधिकारी है। त्वं सुसर्वं परित्यज्य, इसीलिए वाल्मीकि रामायण जो है उसमें प्रवृत्ति वाला जो है वो पुरुष का अधिकारी है, और महाभारत में प्रवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है, और रामचरितमानस में निवृत्ति वाला साधु, निवृत्ति वाला पुरुष उसमें अधिकारी है, और श्रीमद् भागवत में निवृत्ति वाला पुरुष अधिकारी है। त्वं सुसर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधु, उद्धव जी अपने सगे संबंधियों में, स्वजनों में और भाई बंधुओं में जो बांध करके रखते हैं, इसका नाम बंधु, बंधु संस्कृत में इसको बोलते हैं, जो बांध के रखते हैं, बिना रस्सी के ही, बिना फाटक के ही, बिना ताले के ही जो जेल में बंद कर ले, उसका नाम बंधु। मीठी मीठी बात करके, मीठी मीठी बात करके जो फसावे उसका नाम बंधु, भाई बंधु। और स्वजन माने अपने लोग, इनमें जितना स्नेह है, सर्वम स्नेहम परित्यज्य, सारा स्नेह छोड़कर। स्नेह क्या? स्नेह बोलते हैं संस्कृत में चिकनाई को, है ना? कोई चीज आपस में जुड़ती न हो, थोड़ी सी चिकनाई लगा दो, उसमें गोंद लगा दो, वो दोनों चिपक जाते हैं। तो ये स्नेह जो है वो चीजों को मिलाने वाला, हृदय को थोड़ा गीला करके, हृदय को थोड़ा गीला करके उसमें दूसरे को घुसेड़ने वाली चीज है, इसी को बोलते हैं स्नेह। ये जो जने जने के पीछे हमारा दिल बहता फिरता है ना, इसी को स्नेह बोलते हैं। इससे तुम्हारा स्नेह है, भगवान ने कहा वहां से हटाओ, और मैया वेश्य मनः सम्यक् समदृग विचरस्त लगाम, अपने मन को भली भांति मुझ में प्रविष्ट करो। मैया वेश्य मनः सम्यक्, ये नहीं कि कभी घुसे कभी निकले, कभी घुसे कभी निकले, भली भांति अपने मन को मुझ में आविष्ट कर दो, मन को परमात्मा से एक कर दो। आवेश का अर्थ तो आप जानते हैं ना, जब भूत का आवेश होता है मनुष्य में तब क्या होता है, तब भूत और मनुष्य दोनों एक हो जाते हैं, है ना? आविष्य, आविष्य का क्या अर्थ है? परमात्मा को मन में प्रविष्ट करो, माने मन और परमात्मा दोनों को एक कर दो, मन परमात्मा कार हो जाए, मन में परमात्मा का आवेश हो जाए, माने मन अपने को परमात्मा के रूप में अनुभव करने लगे, ऐसी स्थिति ले आओ। बोले अगर कोई अच्छे बुरे संसार में बहुत लोग होते हैं, बोले समग्र सबके प्रति दृष्टि समान करो, मन में हो परमात्मा, संसार में किसी से स्नेह न हो,
मन परमात्मा से एक हो जाए और जो दुख है उसके प्रति दृष्टि समान रहे, कहीं राग द्वेष न हो और फिर भी बोले द्विचत्वगाम, एक जगह नहीं रहना नहीं तो कुटिया में राग हो जाएगा। द्विचत्वगाम धरती में विचरण करो, नहीं तो कुटिया में फंस जाते हैं आदमी। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि न स्वरम दृश्यमानम चो विद्धि माया मनोमयम्। बोले बाबा संसार में सम दृष्टि कहाँ से आवे, गुण दोषाभ्याम विषमे लोके, किसी में बड़ा गुण दिखता है किसी में बड़ा दोष दिखता है। अब वो आप तो आगे वाली बात सुन चुके हैं ना कि गुण दोष देखना ये सिद्ध पुरुष का काम नहीं है। एक बार मैं काशी में गया हूँ, अस्सी घाट के पास नाव पर एक खंजर बाबा नाम के महात्मा रहते थे, नाव पर ही रहते थे, नंगे रहते थे, ऐसे धूप में बैठे थे नाव पर। मैं गया तो वहाँ पांच चार जने पाठ कर रहे थे एक साथ, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई वेद का पाठ कर रहा है, कोई योग वासिष्ठ का कर रहा है, एक साथ ही जैसे मूर्ति के सामने तरह तरह के लोग पाठ करते हैं ना, चुपचाप बैठे। इतने में एक पंडित आया, उसने पूछा कि बाबा ये सब अशुद्ध पाठ करते हैं, न इनको वेद पढ़ना आता है न इनको योग वासिष्ठ पढ़ने आता है, आप क्यों नहीं मना कर देते, ये अशुद्ध मत पढ़ो। तो बोले कि गलती बताना साधु का काम नहीं है, दोष बताना साधु का काम है, ये तो सब परमात्मा का रूप है, वही नाना रूप धारण करके नाना प्रकार से नाना बातें बोल रहा है, दोष बताना ही साधु का काम नहीं है, बाबा तुम्हें बताना होगा। तो फिर ये सृष्टि है क्या, यहाँ गुण है यहाँ दोष है, अमुक है समुख है। जदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिर्दृश्यमानम्, जो ये सृष्टि दृश्यमान है माने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होती है, मन से अच्छाई बुराई सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सब देखने में आता है ना, ये क्या है। उन्हें माया इति विद्धि, ये सब परमात्मा की माया है, ऐसा समझो कि जो कुछ हमें अपने जीवन में दिखाई पड़ता है ये सब है माया। तो माया क्यों है का मनोमयत्वात्, ये केवल मानस सृष्टि है, जिसको हम अच्छा समझते हैं उसी को दूसरा बुरा समझता है, जिसको दूसरा बुरा समझता है उसको हम अच्छा समझते हैं। तो अच्छाई बुराई आदमी के मन में आकर के रहती है, और जो चीज मन में होवे वस्तु के साथ संबंध नहीं, कर्म के साथ संबंध नहीं, वो तो बिल्कुल जादू के खेल के समान माया ही हुई ना। तो जैसे आकाश की माया क्या है, नीलिमा, ये जो अनंत आकाश है ना, इसमें ये नीलिमा हो आकाश का गुण नहीं है, जितना जितना आगे बढ़ते जाओ कहीं नहीं मिलेगी नहीं, ये आकाश का धर्म नहीं है, ये आकाश का स्वभाव नहीं है, ये आकाश का स्वरूप नहीं है, ये आकाश का परिणाम नहीं है, ये आकाश का विकार नहीं है, ये आकाश का आरंभ नहीं है, ये आकाश में कोई दूसरी चीज चिपकी हुई नहीं है, ये नीलिमा आकाश में क्या है। बोले भाई हम पूरी तरह से आकाश को नहीं देख पाते, सब उसको नीला देखते हैं, तो ये दुनिया क्या है। बोले जिस अनंत ब्रह्म में ये दुनिया दिख रही है ना, उस ब्रह्म को हम पूरी तरह से जब नहीं देख पाते हैं तब ये दुनिया दिखती है। अगर उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम देखें, इसके अनंत अधिष्ठान को देखें, इसके स्वयं प्रकाश प्रकाशक को देखें, तो अनंतता में परिच्छिन्नता बिना हुए दिख रही है आकाश की नीलिमा के समान, इसलिए माया है। माया अधिष्ठान में नहीं है, स्वयं प्रकाश
प्रकाश में नहीं है, अनंत में नहीं है, ये एक में अनेकता, ये चेतन में जड़ता, ये दृष्टा में दृश्यता, ये अद्वितीय में द्वैत, ये सब माया है। क्यों? गुण मनोमय अथवा क्योंकि मनोमय है। अच्छा भाई, मनोमय जो है हमेशा रहे तो सही, आकाश में मिलना हमेशा तो दिखती है, ऐसे ही ब्रह्म में ये दुनिया जो हमको मिली है ये हमेशा रहे तो सही। बोले नश्वराम, ये जादू का खेल होने पर भी आकाश की नीलिमा के समान हमेशा रहने वाला नहीं है। एक तो महाराज बिल्कुल झूठ, और झूठ भी हमेशा टिकाऊ नहीं, ऐसा ये संसार है। इसलिए इसको समझो कि ये झूठी चीज है और हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। अच्छा ये कैसे बताते हो कि ये मन का खेल है? देखो अब इस बात को भी समझाते हैं कि ये सृष्टि मन का खेल है। उनको युक्त नानार्थो कम सगुण दोष भाव कर्मा कर्म विकर्मे भी गुण दोष दियो भिरा अयुक्त पुंसः पुंसः नानार्थो भवती। जिस समय मन विक्षिप्त होता है उस समय अनेक चीजें दिखाई पड़ते हैं। एक कागल सड़क पर खड़ा था, तो लोगों ने पूछा खड़ा क्यों है, चलता क्यों नहीं? बोले ये दुनिया घूम रही है, ये शहर घूम रहा है, घूमते घूमते जब मेरा घर आवेगा तब उसमें मैं घुस जाऊंगा। तो धरती घूम रही है, शहर घूम रहा है कि कागल का मन घूम रहा है? तो पागल का मन घूम रहा है, यही तो पागलपन हुआ ना। तो ये संसार कब दिखता है? जब आदमी का मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पांव से घुटने में, घुटने से कमर में, कमर से छाती में, छाती से आंख में, जब मन चंचल रहता है तब दुनिया दिखाई पड़ती है। जब मन एकाग्र रहता है, स्थिर रहता है, समाधि में रहता है, शांत रहता है, तब तो मैं तू यह हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ता। ये तो मन के पागलपन में सृष्टि दिखाई पड़ती है, मन की एकाग्रता में, मन की एकाग्रता में सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती है। कोई भी कहे कि हमने समाधि में संसार देखा है, तो जब संसार दिखेगा तब समाधि नहीं, और समाधि होगी तो संसार नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन की विक्षिप्त अवस्था में ये संसार के भेद विभेद दिखाई पड़ते हैं। उनको अयुक्त नानार्थ, अयुक्त माने योग से रहित, अभ्यास से रहित, साधन से रहित, एकाग्रता से रहित जो पुरुष है उसी को नाना स्वरूप अर्थ की प्रतीति होती है। प्रमुख गुण दो वही तो ब्रह्म है। जब उसको सच्चा समझ लेते हैं, ये दिखने वाली चीज को सच्चा समझना ये भ्रम है, और फिर उसके बाद ये गुण है और ये दोष है, ये भ्रम में से निकलता है। और कर्मा कर्म विकर्मे भी गुण दोष भी हो गया। जब अपनी बुद्धि गुण और दोष में जाकर के अटक जाती है कि ये गुण है और ये दोष है, तब उसके लिए ये बात होती है ये धर्म है, ये धर्म का त्याग है और ये अधर्म है। कर्म माने कर्तव्य और अकर्म माने कर्तव्य का त्याग, और विकर्म माने पाप, विपरीत कर्म, अधर्म। ये जो भेद है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि गुण और दोष में अटकी हुई है। तो बोले भाई, धर्म अधर्म और धर्म त्याग ये किनके लिए है? तो जिनकी बुद्धि गुण और दोष की कल्पना करके भेद में अटकी हुई है, और जिनकी बुद्धि गुण दोष की कल्पना से ऊपर उठ गई, भ्रम से ऊपर उठ गई, जिनकी बुद्धि अपने चंचलता और विक्षेप से ऊपर उठ गई, उनके लिए ये गुण दोष का विभाग, धर्म धर्म का विभाग उनके लिए नहीं होता है। तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्तैरञ्जगत् आत्म
आत्मनिमित्तत्व विगतम आत्मानं मय्यधीश्वरे। इस तरह ये बात अब तक बताई, ये गुण है, ये दोष है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये बात जो वेदों में वर्णन की हुई है वो अज्ञानियों के लिए है, तत्वज्ञों के लिए नहीं है। तब तत्वज्ञानी लोग किस दृष्टि से इस संसार को देखते हैं, ये बात भगवान उद्धव जी को बताते हैं। तस्माद् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदं जगत आत्मनिष्ठत्व विततम आत्मानं मय्यधीश्वरे। बाबा, आत्मा तो परिच्छिन्न है, कटा मालूम पड़ता है। परिच्छिन्न माने जो चारों ओर से कट गया है उसका नाम परिच्छिन्न। परि माने चारों ओर, और छिन्न माने जैसे चाकू से तलवार से कैंची से किसी चीज को काट दिया तो छिन्नम हो गया। परिच्छिन्न माने कटा हुआ। तो कैसे कटा हुआ? बोले देखो, ये 3.5 हाथ वाला जो शरीर है ये मैं हूँ, बाकी मैं नहीं। तो देख, ये कट गया ना, और 100 वर्ष की उम्र वाला मैं हूँ, ये काल में कट गया ना, और 2 मन के वजन वाला मैं हूँ, तो ये वस्तु में कट गया ना। तो कांटे पर तौल के अपना एक खास वजन जो है उतने मैं करना, और काल से तौल करके एक आयु को अपनी आयु मानना, और अपनी लंबाई चौड़ाई, शरीर की लंबाई चौड़ाई को अपनी लंबाई चौड़ाई मानना, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न करके अपने को जानना, इसी का नाम परिच्छिन्नता है। तो बोले भला, अपने में सारे जगत को कैसे देखेंगे? तो देखो, अब उपाय बताते हैं। तो जितेन्द्रिय ग्रामो, पहली बात तो ये है कि इंद्रिय ग्राम को जरा युक्त करो। इंद्रिय ग्राम, एक इंद्रिय नहीं, गांव की गांव, माने हाथ, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, नेत्र इंद्रिय, ये जितनी इंद्रियां हैं शरीर में, इनमें से एक को भी अगर छुट्टी दे देंगे संसार में जाने के लिए तो मन उसमें से निकल जाएगा। इसलिए एक इंद्रिय के वश में या 4 इंद्रिय के वश में करने से काम नहीं। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि तुम में फैली हुई है, तुम्हारे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व में ये संपूर्ण नाम रूप आत्मक प्रपंच चंदोले की तरह तना हुआ है आकाश में नीलिमा के समान। चंदोवा क्या है? आकाश में नीलिमा जो है यही चंदोवा है। तो जैसी आकाश में नीलिमा का चंदोवा तना हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे स्वरूप में ये विश्व सृष्टि नीलिमा के समान फैली हुई है। तो तुम कौन? बोले आत्मानं मयि। देखो कि तुम मुझ परब्रह्म परमात्मा से अधीश्वर, ईश्वर इति अधीश्वरम तस्मिन्। ईश्वर अधीश्वर, ईश्वर में विराजमान जो मैं हूँ ब्रह्म के रूप में, उस मुझ परब्रह्म परमात्मा में अपने आप को अभेद से देखो। सारी सृष्टि तुम में, और तुम मुझ में, और मैं और तुम एक, इस ज्ञान को धारण करो। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीर नाम आत्मानुभव पुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यते। इस तरह से शास्त्रोक्त जो ज्ञान है, वेद का तात्पर्य निश्चय, बुद्धि से ये ज्ञान तो हो जाता है कि मैं सबसे न्यारा हूँ, देह से न्यारा हूँ, मन से न्यारा हूँ, सबका देख, मैं सबका दृष्टा हूँ, ये ज्ञान बुद्धि से हो जाता है। परंतु बुद्धि में अनंत को जानने का सामर्थ्य नहीं है। बुद्धि जो है जैसे रबर की थैली में पहाड़ नहीं अट सकता,
तो ऐसे संस्कार वाली बुद्धि में अनंत नाम की जो वस्तु है वो बुद्धि के भीतर अटती नहीं। न तो अनादि भूत बुद्धि में आता, न तो अनंत भविष्य बुद्धि में आता, न देश का और छोर बुद्धि में आता, न तो बुद्धि का अधिष्ठान बुद्धि में आता, न बुद्धि का प्रकाशक बुद्धि में आता। इसलिए केवल अकलमंदी से अगर कोई सोचेगा तो इतना तो सोच लेगा कि मैं सबसे न्यारा हूँ, मैं सबसे जुदा हूँ, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं प्यारा हूँ, ये भी सोच लेगा। लेकिन अनंत जो वस्तु है, अनंतता जो है, वो बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती। तो वो अनंतता जनाने के लिए कि तुम ही अनंत हो, इसके लिए वाक्य द्वारा उपदेश करने की जरूरत पड़ती है। तो महावाक्य जो है वो उसी का उपदेश करता है। तो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य का निश्चय करके ज्ञान और विज्ञान माने अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव करके संपूर्ण विश्व सृष्टि का बाद साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, इससे युक्त हो जाओ। इससे क्या होगा? शरीरिणाम आत्मभूत, सब शरीरों में जो अलग अलग मैं मालूम पड़ता है ना, सबके मैं तुम्ही है। जैसे सब लोग अपने अपने कलेजे के भीतर पोल जो है ना, जैसे घड़े में पोल होती है ना, खाली जगह समझो, पानी नहीं भरा है तो घड़े में क्या है? तो पोल है। तो हजार घड़े रखे हो तो लोग घड़े की दीवार देखते हैं ना, तो कहते हैं हजार घड़ों में हजार पोल है, उसमें हजारों में मिट्टी रखो तो अलग अलग, तो वो तो घड़ा रोक देता है। लेकिन तत्व दृष्टि से देखो तो उन घरों में जो पोल है, जो अवकाश है, वो सब घरों में एक ही है। ऐसे देखो तो हम लोग शरीर से अलग अलग हैं, पर ये तो शरीर की दीवार है। इसके भीतर जो चिदाकाश है, जो स्वयं प्रकाश सर्वावभूभासक जो आकाश है, चिदाकाश, वो सबका एक ही मैं है। सब जो मैं बोलते हैं, वो उसी के लिए सब मैं बोलते हैं। जानते नहीं है कि हम किसको मैं बोल रहे हैं, लेकिन असल में उसी के लिए मैं बोलते हैं। तब फिर जगत का भेद नहीं, जीव का भेद नहीं, जीव ईश्वर का भेद नहीं, आत्मानुभव दुष्ट आत्मा, आत्मानुभूति में तुम संतुष्ट हो जाओगे। और नान्तराय सिर्फ कोई विघ्न नहीं कर सकता। जो विघ्न नहीं कर सकता कि जो तुम्हें विघ्न करेगा वो अपने लिए ही विघ्न करेगा, क्योंकि तुम उसके मैं हो ना। हिरण्य कशिपु ने कहा कि मैं परमात्मा के ऊपर गदा का प्रहार करूंगा, तो ढूंढ ही लगा कि कहाँ है, तो मालूम हुआ कि वो तो हमारे हृदय में है। बोले गदा मारूंगा तो पहले मेरा दिल फटेगा है ना, और परमात्मा को गदा लगेगी नहीं, क्योंकि गदा की आत्मा भी परमात्मा है और हमारे दिल की आत्मा भी परमात्मा है, तो वो गदा तो परमात्मा को लगेगी नहीं। तो बेचारा चुप हो गया। बोले फिर ऐसा परमात्मा तो मरा तरीका है, किस काम का है? ऐसा परमात्मा तो मरा तरीका है, उसको क्या गदा मारे? फिर तो कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि विघ्न भी अपनी आत्मा ही है। वो तो विघ्न की आत्मा भी अपनी आत्मा है। विघ्न और क्या है? वो अपने ही स्वरूप है। दोष बुद्धो भयाती तो निषेधान निवर्तते, गुण बुद्धियात विहितं न करोति यथार्थतः। फिर क्या होता है? बोले भाई फिर तो गुण बुद्धि और दोष बुद्धि उभयातीता दोनों से महात्मा परे हो जाता है। जिसको ब्रह्म का अनुभव होता है उसके लिए गुण गुण नहीं और दोष दोष नहीं, उसके लिए जन्मना जन्मना नहीं और मरना मरना नहीं, उसके लिए समाधि समाधि नहीं और विक्षेप विक्षेप नहीं। उभयातीता वो गुण और दोष दोनों से परे हो गया। क्या बात कहते हो? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो निषिद्ध कर्म करेगा।
बोले निषिद्ध कर्म से निवृत्ति तत्व ज्ञान के द्वारा नहीं होती। तत्व ज्ञान तो विहित निषिद्ध विधि निषेध करता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता सबको तत्व रूप से एक बताता है। निषेध से निवृत्ति कैसे होती है? जो बुराई के संस्कार है ये काम बुरा है ऐसा जो अंतःकरण में संस्कार बैठा रहता है इसी से मनुष्य बुराई से निवृत्त होता है। तो उसके भी जन्म जन्म के संस्कार हैं, बचपन के संस्कार हैं, शास्त्र के संस्कार हैं। जब तक उसके शरीर का शरीर है उसका अंतःकरण है तब तक उस संस्कार के अनुसार निषेधात निवर्तते। जैसे बच्चे ने पहले आग सुई हाथ से और जल गया तो अब वो समझ गया कि आग में हाथ डालने से जलता है नहीं डालता है। इसी प्रकार अज्ञान दशा में जब उसने पाप कर्म किया जब उसने पुण्य कर्म किया तो पाप करने से दुख आता है पुण्य करने से सुख आता है ये बात उसके संस्कार में बैठ गई। ये तो संस्कार और कर्म ये दूसरी चीज है और तत्व ज्ञान जो है वो दूसरी चीज है। तत्व ज्ञान तो अज्ञान को मिटाता है और फिर बुरे काम कैसे बंद होंगे? बोले निषेधात निवर्तते, अपने पूर्व संस्कार से ही वो निषेध से निवृत्त हो जाएगा। बोले फिर तो दोषी भी होगी कने दोष बुद्धियाना, वो समझेगा ये भी ब्रह्म ही है, ये जिसने रोका है कि ये काम मत करो वो भी ब्रह्म ही है, वो भी ब्रह्म ही है और जिससे रोका गया है तो भी ब्रह्म ही है। का ये रोकना और रुकना है और जो रोका गया सो ये सब बोले ब्रह्म में प्रतीति मात्र है, अपना स्वरूप ही सर्व रूप में समझ रहा है। निवर्तते किंतु दोष बुद्धिया नहीं करता है परंतु दोष बुद्धि से उसको नहीं छोड़ता है बल्कि जैसा स्वभाव जैसी आदत पड़ी हुई है उससे छोड़ता है। तब फिर तो भीत कर्म वो नहीं करेगा, गंगा स्नान ही नहीं करेगा, गंगा स्नान ही नहीं करेगा, मंदिर में भगवान का दर्शन ही नहीं करेगा, हाथ ही नहीं जोड़ेगा। चलो भीतम करो भी याद करेगा। हम लोग एक महात्मा पुत्र पुरुष के साथ जा रहे रास्ते में पड़ा मंदिर तो बोले बालाजी बाबा है ना, हाथ जोड़ के बोले बालाजी बाबा। तो महाराज जी क्या? अरे बोले भाई बचपन से जब जब मंदिर देखा जब जब मूर्ति देखी तब तब हाथ जोड़ने की आदत पड़ी है ना? तो अब सामने मंदिर आता है मूर्ति आती है तो हाथ जोड़ जाता है। तो ये तो बोले गुणबुद्धिया का अर्थ है मूर्ति को हाथ जोड़ेंगे तो ये हमको स्वर्ग में ले जाएगा कि हमारे हमें तत्व ज्ञान देगा या नहीं। इस बुद्धि से नहीं, इसको नमस्कार करने में कुछ फायदा होगा कुछ गुण होगा इस दृष्टि से नमस्कार करते हो तो बात नहीं। गुण बुद्धिया विहित कर्म न करोति, गुण बुद्धि से विहित कर्म नहीं करता है किंतु विहितम करोति जो परंतु फिर भी वो विहित कर्म करता है। कैसे? यथार्थतः जैसे बालक, जैसे बालक का स्वभाव होता है उसके पास से चीज आई उसने मुंह में डाल दिया है ना, मुंह में डाल दिया तो ठीक ऐसी तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा जैसी आदत पड़ी हुई है वैसे कर्म होते हैं। वो ये सोच करके होम नहीं करता कि इससे हमको स्वर्ग मिलेगा, ये सोच के गंगा स्नान नहीं करता कि इससे हमको वैकुंठ मिलेगा, लेकिन गंगा जी को देखते ही उसका मन होगा कि घुस जाओ भाई गंगा जी, क्या हरा 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 तारा बह रही है, सबसे पहले ही घुस जाए गंगा जी। क्यों? तो गंगा जी में नहाने की आदत है। बोले दूसरे लोग गंगा जी में नहाते हैं तो हमारा पाप छूट जाएगा इसलिए स्वर्ग मिलेगा इसलिए वैकुंठ मिलेगा इसलिए, गुण बुद्धि से और तत्वज्ञानी गंगा में स्नान करता है अपने स्वभाव से, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है। सर्वभूत स्वरूप शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन मदात्मक विश्वम न विपद्ये तवई पुनः। तत्वज्ञानी कैसा होता है? बोले बाबा सर्वभूत स्वरूप सबके प्रति संपूर्ण प्राणियों के प्रति उसका हृदय सुस्थु है,
किसी के प्रति उसके हृदय में कड़वाहट नहीं है कि ये बुरा है। ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, अपने ईश्वर उत्तर। हम लोग कहते महाराज बाबा से, या बाबा जी महाराज से कहते, दृश्य से दृष्टा अलग है, यानी विचार संद्रोह में है ना, पंचगति में है, विचार सागर में है, वृत्ति प्रभाकर में है, दृश्य से दृष्टा अलग है। बोले नहीं, दृश्य दृष्टा की दृष्टि है, दृश्य से दृष्टा अलग है। बोले नहीं, दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। एक दृष्टि दृष्टा क्या है बाबा, दृष्टि क्या है? बोले दृष्टि दृष्टा की समक है। असल में दृष्टा और दृष्टि दो नहीं, दृष्टि और दृश्य दो नहीं, दृष्टा से जुदा दृष्टि नहीं और दृष्टि से जुदा दृश्य नहीं है। इसलिए दृष्टा दृष्टि दृश्य जो तीन भासते हैं, ये तीन नहीं, एकदम अद्वितीय वस्तु है। सर्वभूत स्वरूप शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय शांत। तूफान चल रहा है, आंधी बह रही है, लेकिन शांत है। प्रलय की आग लग रही है तो शांत है, सृष्टि पर सृष्टि होती जा रही है तो शांत है। स्वामी रामदेव जब गृहस्थ थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, स्वामी उनका नाम है ब्रह्मानंद जी, उनके बेटे का, अपने बेटे का नाम ब्रह्मानंद रखा हो। इतने गृहस्थ खबर पहुंची कि तुम्हारे घर में तो बेटा हुआ है, बोले अच्छा समुद्र में एक और लहर आ गई है ना, समुद्र में एक और लहर आ गई। वही मरु मरीचिका में, मरुस्थल के जल में जो बड़ा भारी समुद्र दिखाई पड़ रहा था, उसमें एक और रूप की शक्ति हुई दिख गई। क्या है सृष्टि, है ना? महात्माओं की दृष्टि में जिन जो महान से अपने को अनुभव कर चुके हैं, तो उनकी दृष्टि में ये सृष्टि क्या है। तो भाई मर गए, गांव में आग लग गई, बोले एक सपना है ना, सपने का एक हिस्सा मिट गया हमेशा के लिए। और क्या, तो सर्वभूत शांति है, इसका नाम शांति है। ज्ञान विज्ञान निश्चय, ज्ञान और विज्ञान का पक्का निश्चय है। वेदों का तात्पर्य भी यही है और अपनी अनुभूति भी यही है। पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः, जो संपूर्ण विश्व को स्वस्वरूप अनुभव करता है वो फिर कभी विपन्न नहीं होता, फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, मरना नहीं होता, दुखी दुखी होना नहीं होता, ये तो सब उसका फंस है। श्री उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृपो उद्धव प्रणिपत्या है तत्व जिज्ञासुरक्षितम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब महाभागवत उद्धव को भगवान ने जी आदेश दिया, तब उन्होंने झट श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और तत्व की जिज्ञासा से, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। अब उद्धव जी का जो मन है वो तत्व जानने की इच्छा से भरपूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछा। उद्धव उवाच योग एक योग विन्यास योगात्मन योग संभव निष्प्रेषाय मे प्रोक्ता त्याग संन्यास लक्षण त्यागो यम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतराम कोई सर्वात्मन अभक्तैरिति मे मतिः। अब उद्धव जी जिज्ञासु होकर के श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, क्योंकि बात जब संक्षेप में कही जाती है तो पूछने वाले के लिए पूछने का मौका मिल जाता है। पूछने वाला उदार होता है तो स्वयं समझता भी है, फिर भी दूसरे समझ सके इसके लिए और विस्तार से पूछ लेता है। योगेश, योगेश का अर्थ है कि योग का फल देने वाले तुम ही हो। योग माने साधन, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं
सबका फल देने वाला कौन? कृष्ण। फल भी दिखाने की जरूरत पड़ती है, हो कि देखो इसका फल ये है। असल में आदमी को फल होता रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। फल तो मिलता रहता है, रोज रोज मिलता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं चलता है। जरा सी खुशी तुमको कुरकुरा जाती है कभी की नहीं? एक पैसा कभी किसी गरीब को दिया, थोड़ी सी खुशी तुम्हारे मन में कुरकुराती है कि नहीं कुरकुराती? एक लोटा पानी शंकर जी पर चढ़ाया तो तुम्हारे दिल में थोड़ी खुशी आती है कि नहीं आती? तो भाई फल तो मिलता रहता है लेकिन पता नहीं चलता। ये श्री कृष्ण जो है वो लखा देते हैं कि देखो तुम्हारे साधन का फल ये है। मनुष्य पहचानता नहीं है, ईश्वर मिल जाता है ना? साधन किया, भजन किया, प्रेम किया, उसको ईश्वर मिल गया। पर ईश्वर से रोज भेंट होती है, बातचीत होती है, मिलते जुलते हैं, पर पहचानते तो है नहीं। योग गुण न्यास, योग देवताओं की निधि। न्यास माने, न्यास माने महत्वपूर्ण निधि। कौन है? कृष्ण है। खजाने हैं योग देवताओं के, माने योग देवताओं कृष्ण में कई योग निकाल निकाल कर लोगों को बताते रहते हैं। योगात्मन योग संभव, योग करने से कृष्ण प्रकट होते हैं। और योग संभव, सारे योग भगवान से ही निकले हैं। उद्धव जी चार संबोधन करके कहते हैं कि तुमने अपनी महिमा का विचार करके कि भाई जब हम उपदेश कर रहे हैं तो जो सच्ची सच्ची आखिरी बात है वही हमको कहनी चाहिए, ऐसा सोच के तुमने ये उपदेश कर दिया। हमारी ओर देख करके ये उपदेश नहीं किया। एक बार हम लोग बद्रीनाथ जा रहे, महाराज एक खेत खड़े हुए थे अपने खेमे के साथ, ज्योति मठ में। उनके साथ 144 कुली थे और घेर लिया उन्होंने सारा ज्योति मठ। हम लोग जरा अंधेरे में पहुंचे तो रहने की कोई जगह नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, सब दूध उन्होंने खरीद लिया और रहने की सब जगह घेर ली। अब हम लोग तो बिल्कुल थके हुए थे, तो ये हुआ कि कोई ना कोई जुट्टी तो निकालनी चाहिए, तो उन्हीं के पास पहुंच गए कि हमारे ठहरने का बंदोबस्त करे, खाने का बंदोबस्त करे। तो उन्होंने जल नहीं तरह से कहा कि तुम लोग एक तरफ हो जाओ। खाने की बात आई तो महाराज रसोइये उनको पूरी बनाने लगे। अब परखने के समय उनकी लड़की आई। आप तो एक बात बताते हैं, जब रसोइये ने मोटी मोटी पूरी उसको दी थाली में परखने के लिए, छन्न थे, थाली फेंक दी, हम लोग बैठे हुए देख रहे थे। बोले मैं परखने जाऊं और ये पूरी परखे, मैं परखने जाऊं स्वामी जी को और ये पूरी परखे। अब महाराज फिर तो ऐसी बढ़िया पूरी खाने को मिली कि क्या बताना है। उद्धव जी बताते हैं ये योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, ये आपने जो हमको उपदेश किया है ये अपनी ओर देख करके उपदेश किया है कि मैं भगवान और मैं ऐसा योगेश और योग विन्यास और योग संभव और योगात्मा, मैं जब कोई बात कहूँ तो छोटे दर्जे की कैसे बोलूं, इसलिए आपने बड़े ऊंचे दर्जे की बात मुझसे कह दी, मेरी ओर देख करके बात आप नहीं कही, मैं इस योग्य में कुछ प्रोक्त त्याग सम्यास लक्षण। तुमने मेरी कल्याण के लिए कहा लेकिन ऐसे त्याग का वर्णन किया तुमने जो सम्यास लक्षण है, जिसकी जिसका लक्षण सम्यास है। सन्यास माने अप्रत्यापत्ति रूप है, जिसमें त्याग करके फिर ग्रहण करने की गुंजाइश नहीं है। सब स्नेह छोड़ो और गांव गांव में घूमो और किसी को अपना मत समझो और समदर्शी हो जाओ, इसमें फिर लौटने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा त्याग तुमने हमको बताया कि त्यागो यम दुष्करो भूमन हे अनंत, कामानाम विषयात्म भी, जिनका मन विषय में लगा हुआ है
ये इन कामनाओं का त्याग कर सके, ये बात बड़ी कठिन है। हे अनंत, हे श्री कृष्ण, इतना बड़ा त्याग तो संसार के विषयी प्राणियों से नहीं हो सकता। कर भी सकते हैं, पर कौन कर सकता है? जो पहले से तुम्हारा भक्त होवे, भक्त होवे तो सब कुछ उसने भगवान को दे दिया। हमारे कोई अपना साजन नहीं है, स्वजन हो, स्वजन से साजन बन गया ना। हमारे कोई अपना स्वजन नहीं है, हमारे तो सब कुछ तुम ही हो। भक्त ने कहा तो स्वजन छूट गए। बोले हमको तो हमारे लिए भोग नहीं चाहिए, भगवान के लिए चाहिए। हम खुद ही अपने नहीं है, भगवान के। तो जो भगवान को सब कुछ अर्पित कर चुका है, जो भगवान का हो चुका है, जिसने सृष्टि भगवान को दे दी है, तो वो तो ऐसा बड़ा त्याग कर भी सकता है। लेकिन वे सर्वात्मा जो आपका अभक्त है, जिसने पहले दृष्टा दृश्य का विवेक करके दृश्य को प्रकृति में नहीं डाल दिया है, जिसको सांख्य का विवेक नहीं है, वो ये त्याग नहीं कर सकता। जिसको भगवत भक्ति नहीं है, कि सर्व का विवेक करके कुछ भी हमारा नहीं, सब ईश्वर का है, ये निश्चय, ये समर्पण जिसने नहीं किया, वो इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता। तो सोहम ममाहमिति मूढमतिर्विदा त्वन्मायया विरचितात्मनिसानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अनुसाधिवृत्त्यम्। मेरी तो ये दशा है, जिसके लिए तुमने इतने बढ़िया ज्ञान का उपदेश किया, आत्मदृष्टि का उपदेश किया, सोहम ममाहमिति मूढमतिः, वह मैं को, ये मेरा और ये मैं, इस प्रकार मूढ़मति हो रहा हूँ। सोहम ममाहमिति मूढ़मति, हमारी बुद्धि तो अटक गई है। कहा ये सोहम का अर्थ वो नहीं है, वो जो है ना, जो अहंग्रह उपासना में लोग दोहराते हैं ना, सोहम सोहम सोहम, वो सोहम नहीं है। ये दूसरा सोहम है। तो ये क्या है कि जिसको तुमने उपदेश किया, वो मैं होना तो चाहिए कि मैं बहुत जोर से निकलता, आपने इतनी कृपा की, लेकिन मेरी दशा तो ये है कि ममाहमिति मूढमति, ये मेरा घर, ये मेरे स्वजन, आसक्ति मैंने दूसरे से कर ली, प्रीति दूसरे से जोड़ ली, संबंध दूसरे के साथ स्थापित कर लिया, और मैं मेरा मेरा करके मैं तो मूढमति हो गया हूँ। तो और क्या हमारी दशा है? त्वन माया विरचिता मनुषानुबंधे विगाधा, डूब रहा हूँ तुम्हारी माया ने। ये जो देह सहित और देह की पूंछ सहित अनुबंध, अनुबंध कहते हैं जो पीछे से बंधा हुआ, लगा हुआ, जो लगी हुई जो चीज होती है ना, पीछे लगी जो चीज होती है उसको बोलते हैं अनुबंध। अनुबंध माने देह के पीछे जो लगे हुए हैं, ये देह का ताला है। पंजाब में तो ऐसे बोलने की रीति है, ये इस देह का ताला है, ये इस देह की घरवाली है। ये देह आ रहा है, वो बोले कहाँ से आए? बोले हम में आना जाना कहाँ है? बोले आते भाई आते कहाँ? उसका ये देह अमृतसर से आ रहा है। तो ये शरीर अमृतसर से आ रहा है, बोले ऐसे बोलते। तो बिगाधा डूब गए, बिगाधा माने डूबना, अवगाहन होता है ना संस्कृत के लिए। कहाँ डूब गए? कब विरचिता आत्मनि स्वानुबंधे, ये पुत्रादि सहित जो तुम्हारी माया से विरचित शरीर है, इसमें मैं डूब गया हूँ। तत्वंजता निगदितम भवता यथाम संतावयामि, आपने जैसा त्याग बताया वैसा त्याग में शीघ्र से शीघ्र कर सकूं, साधन कर सकूं, ऐसा ऐसा आप मुझे सेवक मान करके शिक्षा दीजिए। सत्यस्य ते वृष आत्मन आत्मनो नियम दत्तारवीत विबुधे स्वभिना अनुगच्छे सर्वे विमोहित धियः तव मायेने ब्रह्मादयस्तनुवृतो बहिरर्थ भावा। आप
सत्य है, माने त्रिकालाबाधित सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। स्वदृश्य माने सर्वावभाषक स्वयं प्रकाश, आत्मना माने मेरे प्रत्यक्ष चैतन्य ही है, परंतु मेरे लिए आपके सिवाय दूसरा कोई वक्ता मेरे प्यारे स्वामी कृष्ण देवताओं में भी नहीं है, कोई देवता भी मुझे आप तरीका उपदेश नहीं कर सकता। क्यों सर्वे विमोहित तव माये ने ब्रह्मादया, ये जितने शरीरधारी ब्रह्मा आदि हैं तुम्हारी माया से इनकी बुद्धि मोहित हो गई है। जब ब्रह्मा खुद ही मोहित है तो हमको उपदेश क्या करेगा। ब्रह्मा की बुद्धि तो बस सृष्टि बनाने में, बच्चे पैदा करने में लगी है, क्या उपदेश करेंगे। और इंद्र क्या बोले, उनको तो उनके सिंहासन का ही बड़ा घमंड हो गया है। बोले रुद्र का, वो तो प्रलय की इंतजार कर रहे हैं, क्या उपदेश करेंगे। तो हम तो उपदेश करेगा तो कौन, तो तुम करोगे। बोले अच्छा भाई, तुम्हारे पास इसकी कोई कटौती है कि कौन माया से मोहित है और कौन माया से मोहित नहीं है। कहा है तो माया से मोहित है ये आदमी, इसकी क्या कटौती है। बोले बहिर्थ भाव, बाह्य पदार्थ को जो सच्चा मानता है, दृश्य में सत्यत्व की भ्रांति जिसको है कि दृश्य सच्चा है, वही माया से मोहित है। वो परमात्मा में जो बिना हुए चमकने दमकने वाली जो चीज है, उस चमक दमक को ही सर्वस्व मान करके, उसी को अपना पुरुषार्थ मान करके, वही अर्थ अभाव, जो पुरुषार्थ अपने से बाहर को जो पुरुषार्थ मानते हैं, ये धन है, ये धर्म है, ये भोग है, अपने से बाहर रहने वाली चीज को, आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु को जो पुरुषार्थ मानने वाले हैं, वही माया से मोहित है। इसलिए कृष्ण हमको तो तुम ही बताओ, हम दूसरे से पूछने नहीं जाएंगे। क्यों तो बताते हैं, पांच बात कृष्ण तुम्हारे अंदर ऐसी है कि तुम्हारे सिवाय दूसरा वक्ता इस विषय का नहीं हो सकता। तस्माद् भवन्त मनवद्यम अनंत पारम सर्वज्ञम ईश्वरम अकुंत विपुंत विषयम निर्वेण धीरहमुहब्रुजिनाभिसक्तो नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। महाराज जो कोई ज्ञानी तो होते हैं लेकिन उनका सील स्वभाव अच्छा नहीं होता है, जाओ तो ढेला ही मारे गालिये दे तो सील। हम लोग ऐसे साधुओं के पास बहुत जाते थे, गाली के सिवाय बात ही नहीं करते, ढेला मार देते, पत्थर उठा के मार देते, गाली हम जिद करके जाते थे उनके पास, इनको खुश करके मानेंगे, देखें क्या बताते हैं। तो सील और श्री कृष्ण कहते हैं कि अनवाद्याम निर्दोष, श्री कृष्ण का सील स्वभाव बहुत अच्छा है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर उनकी सेवा करो, जब ज्ञान देने का समय आया तो मर गए, अनंत पारम सिंह। पर कृष्ण कहते हैं कि अनंत है, अपार है, उनकी मृत्यु नहीं है। और गुरु महाराज ऐसे हैं कि ज्ञानी बने तो बैठे हैं लेकिन अज्ञानी है, बाहर से तो देखने में ज्ञानी है और स्वयं अज्ञानी है। वो मैं तो बहुत बोलते हैं परंतु अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानते हैं। जो ब्रह्म रूप से अपने को नहीं जानता वो सर्वज्ञ नहीं, और आप सर्वज्ञ हैं। और कोई ऐसे है महाराज कि उनके पास जाओ तो वो रक्षा करने में असमर्थ है, और आप ईश्वर हैं, रक्षा करने में समर्थ हैं। सर्वज्ञ ईश्वरम अकुंठ विकुंठ विश्रियम। और कोई ऐसे हैं जो स्थानात दृष्टा, वर्ण धर्म से, आश्रम धर्म से, अपने स्थान से
च्युत हो गए हैं, परंतु आपका जो स्थान है वो अकुंठ विकुंठ है, शुद्ध बुद्धि है। तो इसलिए आप ही हमें सच्चा उपदेश कर सकते हैं। और मैं बोले निरुपेण भी रहमुहिना भी तब तो हमारी बुद्धि में संसार से वैराग्य है। और बिजिना भी तब कहाजिन से संसार के साथ से मैं संतप्त हूँ। इसलिए नर के सच्चे सखा नारायण आप, नारायणम नर सखम, नर नारायण दोनों सखा है ना, अर्जुन और कृष्ण दोनों सखा है, नर नारायण दोनों सखा है, जीव और ईश्वर दोनों सखा है। तो नर माने जीव और नारायण माने उसके हृदय में रहने वाला परमात्मा। तो हम तो बस आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप ही हमको तत्व ज्ञान का उपदेश करो। बस भगवान तो यही चाहते ही थे कि उद्धव जी जो है ये जब तत्व जिज्ञासा करें तब उपदेश करने में आनंद आवेगा। तो श्री भगवान वाच प्रायण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैव सुभाषया आत्मनो गुरुरात्मैव गुरुतस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानात्याम् श्रेयोऽसावरुविन्दते। बोले भाई पहले तो मनुष्य जोड़ी हो और मनुष्य जोड़ी में बुद्धिमान हो, तब मनुष्य अपने को इस लोह के फंदे से छुड़ा सकता है। इस लोक में ये देखने में आया है कि जो लोक तत्व विचक्षण मनुष्य हैं, विचक्षण माने लोक दुनिया के रहस्य को भली भांति समझने वाले, जो बाहरी लिफाफा देख करके ही मोहित होने वाले लोग हैं, क्या वो तो लोक तत्व को नहीं समझते हैं। मीठी मीठी आवाज सुन ली, हाथ जोड़ते देख लिया, जरा खिलाते पिलाते देख लिया और फंस गए महाराज। परंतु जो संसार के रहस्य को समझते हैं वो संसार में फंसते नहीं। समुद्धरम की आत्मानम आत्मनैवा सुभाषया, मनुष्य फंसा कहाँ है ये नहीं समझना। कोई बंधन की रस्सी है और उसमें बंधा हुआ है, कोई जेल खाना है उसमें फंसा हुआ है, कहना असुभाषया अपना जो अशुद्ध अंतकरण है, अपना जो अशुद्ध मन है, उसी में ये जीव फंसा हुआ है। तो यदि तुम्हारी बुद्धि पर मनुष्य जोड़ी है तुम्हें प्राप्त और तुम्हारे पास दुनिया को समझने वाली बुद्धि है, तो तुम स्वयं ही अपने आप को अशुद्ध अंतकरण से बाहर निकाल सकते हो। गुरु बाहर नहीं होता, आत्मनो गुरु आत्मैव, अपना गुरु अपना आत्मा ही है। और खास करके मनुष्य के लिए तो ये विशेष बात है। और नहीं तो महाराज अभिमान किया करो, हमारे गुरु सबसे बड़े दुनिया में, इसलिए क्या समझे तुम्हारे गुरुदेव संसार में सबसे बड़े, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। लेकिन महाराज उस बड़े के बन के अगर तुमने अपने को छोटा ही रखा, बोले अब तो हम बड़े के हो गए, हमको बड़ा बनने की क्या जरूरत है, हम तो छोटे ही रहेंगे, है ना। तो बड़ा गुरु तब है जब बड़े गुरु से एक होकर के तुम भी वही हो जाओ और उसका अनुभव, उसका निश्चय, उसकी साधना, उसका अनुभव तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो क्या बड़प्पन। इसलिए मनुष्य होकर के, बुद्धिमान होकर के, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा इसी जीवन में, इसी संसार में अपना परम कल्याण प्राप्त करना चाहिए। अब ये प्रसंग आपको